नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, दोस्तों हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यहां पर दोस्तों सेल भिलाई में दोस्तों एक अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि दोस्तों डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विषय में है भिलाई इस्पात संयंत्र में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु। तो भिलाई स्टील प्लांट इनवर्ट्स एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन बेस पर अप्रेंटिस निकाली गई है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961 या 1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर कुल 60 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं 60 टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु एक वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों 60 पोस्ट है डिप्लोमा पर, 60 पोस्ट है ग्रेजुएशन पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वालों लोगों के लिए यहाँ पर क्या है। तो देखिए मैकेनिकल के यहाँ पर दोस्तों टोटल 10 सीट है, जिसमें से एक सीट है ओबीसी का, एसएससी का एक सीट है, एसटी का 3 सीट है और रिजर्व कैटेगरी का 5 सीट है। इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिकल का ग्रेजुएशन बेस पे दोस्तों 10 सीट है, माइनिंग का यहाँ पर 15 सीट है और मेटलर्जी का दोस्तों यहाँ पर 25 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर आपका 60 सीट हो जा रहा है, बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा अगर यहीं पर दोस्तों हम लोग बात करें तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, तो देखिए मेटलर्जी में दोस्तों टोटल 20 सीट है, जिसमें से एक सीट है ओबीसी का, एक दो सीट है एससी का, 7 सीट है एसटी का और रिजर्व कैटेगरी में 10 सीट है। और इसी तरह से दोस्तों सिविल का 10 सीट है और सीएस एंड आईटी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दोस्तों यहाँ पर 10 सीट है और माइनिंग का यहाँ पर दोस्तों 20 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर भी आपका 60 सीट अवेलेबल है डिप्लोमा बेस पर। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज बताया गया है कि प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आप माइनिंग वुड बी बीएसपी माइन एट डल्ला, यहाँ पर कहा है डाली राजरा हिर्री एंड नंदिनी माइंस, यहाँ पर आपको होगा। पोर्टल में आवेदन करने की दोस्तों जो अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2023, फॉर्म भरने का इसका लास्ट डेट है और यह अवसर केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है व नियुक्ति के समय में आवश्यकता के अनुसार बदलाव हो सकता है। और अप्रेंटिस अधिनियम 1961 या 1973 के अनुसार उम्मीदवार द्वारा ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो और अन्यथा ना ही वर्तमान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। ठीक, यानी कि दोस्तों अगर आपने कहीं से अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपको कोई भी छात्र छात्रावास या कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको इसकी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। तो सभी लोग फार्म भरिए, ठीक, और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी को यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता देय नहीं होगा। उम्मीदवारी की पात्रता, तो शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में दाखिल होने के बीच का अंतर 3 वर्षों से अधिक न हो। और देखिए आवेदन करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आपको दोस्तों स्कैन कॉपी को सत्यापित करना यानी कि अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पर। जैसे ये जो पोर्टल एड्रेस है दोस्तों mhrdnats.gov.in, इसी पर दोस्तों आपको अपना ये सब कुछ करना पड़ेगा। फोटोग्राफ लगेगा और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अंतिम वर्ष की अंक सूची भी लगेगी। तो अपना बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कहा गया कि उम्मीदवार जिनका परिणाम CGPA या CPI में अंकित हो, वह अपने परिणाम को प्रतिशत में परिवर्तित कर ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना परिणाम उल्लेखित करें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित, जहाँ चिकित्सक का मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर सील में स्पष्ट प्रदर्शित हो, ठीक, और जात प्रमाण पत्र आपका लगेगा। बाकी ये सब जो है आपको देखिए दस्तावेजों या परिपत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवार शिक्षकों का लेटर जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार उन्हें उपरोक्त सभी दस्तावेजों या परिपत्रों की मूल प्रति, छाया प्रति, प्रोविजनल सर्टिफिकेट
एवं 6 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। संलग्नता हेतु वरीयता इस प्रकार से होगी। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पास आउट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट पास आउट। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। प्रबंधन किसी भी उम्मीदवार को संयंत्र या माइंस क्षेत्र में पोस्टिंग कर सकता है। ठीक, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की छात्रवृत्ति का निर्धारण बोर्ड द्वारा समय समय पर किया जाता है और देय है। ठीक, और चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी या बोर्ड पोर्टल पर सूचित किया जाएगा, जिनके अनुसार उम्मीदवार निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए, चयनित शिक्षकों को पत्र जारी कर होने के 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुँच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होगा। इस अवधि तक प्रशिक्षण कार्यालय पर न आने से शिक्षकों का चयन रद्द माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप जो भी फॉर्म भरेंगे सब कुछ सही से भरेगा, अन्यथा आप गलत फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पर सब लिखा गया है। और यहाँ पर ऐसा कुछ खास चीज नहीं है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपना सबसे पहले टेलीग्राम ओपन कर लेना है। और टेलीग्राम पर दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसी नाम से टेलीग्राम पर सर्च करिएगा। यहाँ पर मेरा अभी नेट नहीं चल रहा है, तो उसी नाम से दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। तो एक आएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर चैनल आएगा, और एक ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप अगर लिखेंगे तो आपका ग्रुप भी आ जाएगा। तो आपको दोस्तों दोनों ज्वाइन कर लेना है। ठीक, तो यही है दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।